ताजा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। भाजपा जिला एवं मंडल के दिशा निर्देशन अनुसार भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विभिन्न गौठानों का निरीक्षण। ये समाचार बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकास खंड का है, जहां पर गुरूर मंडल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गुरूर ब्लॉक के विभिन्न गौठानों का निरीक्षण किया, जैसे कि चिरचारी, भरदा, बोहारडी। इस प्रकार से कई पंचायतों के गठनों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में बताया गया कि सरकार के लिए योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी एवं महत्वाकांक्षी योजना है, मगर कहीं पर गौठानों में दारू पीने का अड्डा बना हुआ है। हमारे लोकप्रिय जनपद सदस्य संध्या साहू ने बताया कि सभी ग्राम पंचायत के गौठानों का हाल बेहाल है। इसमें मुख्य रूप से सम्मिलित रहे अजेंद्र साहू, ईशा प्रकाश साहू, यादराम साहू, कौशल साहू, त्रिलोकी राम साहू, प्रीतम साहू, तेजराम साहू, दुर्गानंद साहू, महत्राम नेताम, आदित्य पिपरे, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा से सुशीला साहू, चंद्रिका गंजीर, जनपद सदस्य संध्या साहू सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो टंकी पर वो खाली पड़े हैं और वहाँ पे शराबियों का अड्डा बन चुका है, वहाँ पे शराब की बोतल मिला है और वहाँ पे हमने देखा कि गायों तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आवारा कुत्तों का वहाँ पे जवाब जवाब होता है। तो किसी भी ऐसे विधायक को ध्यान देना चाहिए, वो उनके फ्री गाँव है और धान का वो लोग अपनी महत्वाकांक्षी योजना बता सकते। आज जो गौठान का निरीक्षण किए उसके बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे। आज जो हमने जो गौठान का निरीक्षण किए वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आह्वान एवं भाजपा जिला और मंडल गुरु के नेतृत्व में किया गया। इसमें विभिन्न गौठानों में हमने चारा वहाँ निरीक्षण किया तो विभिन्न सभी गौठानों में ये देखने को मिला कि वहाँ गौठान तो है लेकिन वहाँ पे गाय नहीं है और जो उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, चारा का व्यवस्था नहीं है और वर्मी कंपोस्ट का खाद बना है वो बहुत ही गुणवत्ता विहीन है। तो गौठान बहुत ही जो कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान है वो बहुत ही बुरी तरह तरीके से फ्लॉप है और भ्रष्टाचारी सरकार है कांग्रेस, जो केंद्र सरकार की जो 15वीं की राशि है उसका दोहन हो रहा है और